लाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही जीव मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप करना है, इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है, तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। का ना अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी, किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो, अब बरगद का नहीं लगेगी तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देना। अब वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक जय गुरुदेव। विनोद गुरु बाईसन गुरु दास दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सत्य का सहारक युग। सत्य का सहारक युग। गुरुदेव लिखते हैं, कलयुग के गुणधर्म के कारण आज विश्व भर के अध्यात्म जगत से सत्य प्राय लोप हो गया है। आज विश्व के प्राय सभी धर्मों के धर्माचार्यों की कथनी और करनी में भारी अंतर है। यही कारण है आज विश्व भर में अधिकतर लोगों का धर्म पर से विश्वास उठ चुका है। जैसा धार्मिक होने का हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, प्राय विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य भी वैसा ही कर रहे हैं। आज संसार के अंदर जितना शोर धार्मिक जगत के लोग मचा रहे हैं वैसा पहले कभी सुनने में नहीं आया। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्राय रोज सुबह शाम विश्वास करो की ध्वनि से वायुमंडल गूंज उठता है। इसके विपरीत विश्व में अशांति निरंतर बढ़ रही है। विश्व की यह अशांति हमें धर्माचार्यों पर उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने को विवश कर रही है। आखिर परिणाम ना मिलने के कारण का पता लगाए बिना तो समस्या
समस्या का समाधान नहीं होगा। हम इतिहास पर नजर डालें तो देखते हैं कि विश्व भर में असंख्य साधु संतों और सच्चे लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई। धर्म की गिरावट यहां तक हो गई कि सच्चे लोगों के प्राण तक ले लिए गए। परंतु सच्चे लोगों का साहस देखो, मृत्यु को स्वीकार कर लिया परंतु सत्य पर अडिग रहे। दूसरी तरफ इस युग के लोगों की गिरावट पराकाष्ठा तक पहुंच गई। सत्य कहने पर जिसकी हत्या करते हैं, मरने के बाद उन्हीं हत्यारों के वंशज उसको पूजते हैं। महान आत्मा यीशु ने उस समय के धर्माचार्यों को कहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें सवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। कलयुग के गुणधर्म का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर प्राय एक जैसा ही पड़ा है। क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी वृत्तियां इतनी प्रबल हो गई हैं कि मानवता को कुचलते हुए किसी को तनिक भी दया नहीं आती। कोई भी संत पुरुष विश्व में प्रकट होता है तो उसका पग पग पर अकारण विरोध होता है। सभी दुष्ट वृत्तियां मिलकर उसे कुचलने का प्रयास करती हैं। उनका वश चलने पर उस साधु पुरुष की हत्या तक कर दी जाती है। वही पुरुष जब ब्रह्मलीन हो जाता है तो वे वृत्तियां गिरगिट की तरह रंग बदलने में भी कुछ भी संकोच नहीं करती। इस प्रकार उसकी त्याग, तपस्या और बलिदान का भरपूर लाभ उठाती हैं। जो लोग कठिन समय में उस संत का साथ देते हैं, उन्हें दुत्कार कर दूर भगा देती है। इस प्रकार उस महान आत्मा के नाम से जो मिशन चलता है, उस पर पूर्ण रूप से अवसरवादी लोगों का कब्जा हो जाता है। इस प्रकार असंख्य संतों के नाम से चलने वाले मिशनों पर पूर्ण रूप से अवसरवादी लोगों का जमावड़ा है। मुझे कुछ दिन पूर्व ईसाई मिशन की प्रचार सामग्री की एक पुस्तक में कुछ पढ़ने को मिला। मुझे उसे पढ़कर भारी वेदना हुई। गुरुदेव कहते हैं, मुझे उसे पढ़कर भारी वेदना हुई। ऐसे सुंदर ढंग से चर्चों में स्वेच्छाचारी जीवन बिताने की छूट ले ली है, जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। अघोषित चारवाकवाद पर पर्दा डालते हुए कहा है, परमेश्वर का परिवार पापियों से मिलकर बना है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोगों में पूर्ण या लगभग पूर्ण लोग देखने की अपेक्षा करते हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। इसे पढ़ते ही एक कुरिन्थियों के 5:1-2 की बात अचानक याद आ गई। प्राय सभी धर्मों के मिशनों पर कलयुग का प्रभाव कमोबेश एक जैसा ही पड़ा है। गुरुदेव कहते हैं, मैं क्योंकि कर्ता मात्र ईश्वर को ही मानता हूं, संसार के लोग तो उसकी कठपुतली हैं। उन्हें भरमाते हुए वह परम सत्ता अपनी इच्छा अनुसार नचा रही है। अतः मैं किसी धर्म के धर्माचार्यों को दोष नहीं देता हूं। वैसे अनेक पवित्र संत प्रकट हुए हैं, परंतु मैं मात्र दो ऐसे महान आत्माओं के जीवन काल का वर्णन करना चाहूंगा जिन्हें आज संपूर्ण विश्व श्रद्धा से पूजता है। वे हैं महान आत्मा यीशु मसीह और स्वामी विवेकानंद जी। महान आत्मा यीशु ने जिस प्रकार नीली छतरी के नीचे अपना संपूर्ण जीवन कष्ट और यातनाएं सहन करते हुए बिताया, ऐसे उदाहरण दुर्लभ है। उसने मानवता में जो चमत्कारपूर्ण कार्य कर दिखाए, वैसे कार्यों को करने की आज का विज्ञान कल्पना तक नहीं कर सकता। परंतु संसार के क्रूर लोगों ने जो प्रतिफल दिया, वह जग जाहिर है। उसका दोष इतना ही था कि उसने सच्ची बात कह दी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ईश्वर की आज्ञा से ही मैंने ये चमत्कारपूर्ण कार्य किए। अगर मेरी बात असत्य है तो संसार का कोई धर्मगुरु ऐसे कार्य करके दिखावे। एकमात्र इस दोष के कारण उस समय के धर्माचार्यों ने उस निर्दोष पवित्र आत्मा को मृत्यु दंड दिलवा दिया। और आज उन्हीं धर्माचार्यों के वंशज कंठ फाड़ फाड़ कर
उसे ईश्वर का पुत्र स्वीकार कर रहे हैं। क्या एक ही पाप की दो सजा हो सकती है? ईश्वर के घर न देर है और न अंधेर, पाप का घड़ा भरने पर फूटता ही है। पाप का घड़ा भरने पर फूटता ही है। यीशु मसीह के उस समय के धर्माचार्यों के साथ कैसे मधुर संबंध थे, उसकी सच्ची तस्वीर बाइबल के सेंट मैथ्यू के 23 विसर्ग 13 से 39 को देखने से मिलती है। उसमें लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और सारे थल में फिरते हो, और वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुआ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाएगा तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो उस पर है उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दसवां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों की, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो यह था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें सवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता भेजता हूं, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर विरिक्याह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह कहता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही
मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। स्वामी श्री विवेकानंद जी की देन है, स्वामी श्री विवेकानंद जी की ही देन है जो संपूर्ण विश्व आज हमारे वैदिक दर्शन की ओर तेजी से झुक रहा है। स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा में सन 1893 में 1893 में 1893 में वैदिक दर्शन की विजय पताका फहराई थी। आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में स्वामी जी का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है, परंतु स्वामी जी को अपने जीवन काल में यीशु मसीह की तरह अपने देश के लोगों से सहयोग और प्रेम नहीं मिला। इस तथ्य का प्रमाण स्वामी जी के अमेरिका से लिखे पत्र देते हैं। अतः मैं उन पत्रों को स्वामी जी की भाषा में ही यथावत लिख रहा हूं। इन पत्रों से उस समय के आध्यात्मिक जगत में कार्य करने वाले लोगों की वस्तु स्थिति का भान होता है। दिनांक 28 दिसंबर 1893 को शिकागो से लिखा पत्र भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं, भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं। हे भगवान, क्या हम मनुष्य हैं? तुम लोगों के घरों के चतुर्दिक जो पशुवत भंगी डोम है उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? उनके मुंह में एक ग्रास अन्न देने के लिए क्या करते हो? बताओ ना, उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हो। क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों साधु ब्राह्मण भारत की नीच दलित दरिद्र जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू बस यही रट लगाते हैं। उनके हाथों में हमारा सनातन धर्म कैसे तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। दिनांक 24 जनवरी 1894 को शिकागो से लिखा पत्र जहां तक अमेरिकी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी कृपा के लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूं। भगवान उनका भला करे। इस देश के प्रत्येक आंदोलन की जान महिलाएं हैं और राष्ट्र की समस्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि पुरुष तो अपने ही शिक्षा लाभ में अत्यधिक व्यस्त हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। अमेरिका से ही 1894 में खोतड़ी के राजा को लिखा पत्र अमेरिकन महिलाओं, 100 जन्म में भी मैं तुमसे ऋण न हो सकूंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की भाषा नहीं है। प्राच्य अतिशोक्ति ही प्राच्यवासी मानवों की आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करने की एकमात्र भाषा है। यदि समुद्र मसी पात्र हिमालय पर्वत मसी, पारिजात वृक्ष की शाखा लेखनी तथा पृथ्वी पत्र हो तथा स्वयं सरस्वती लेखिका बनकर अनंत काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 6। स्वामी जी की उपर्युक्त व्याख्या स्पष्ट करती है कि अमेरिका की संपन्नता का मुख्य कारण उस देश की गृह लक्ष्मियां ही है, महिलाएं ही हैं। विश्व के कुछ देश ईर्ष्यावश कुछ भी कहें, जिस देश में ऐसी नारियां होंगी उस देश की संपन्नता अक्षय होगी। 3 मार्च 1894 को लिखा पत्र तुमने मांस भोजी क्षत्रियों की बात उठाई है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाएं, वे ही हिंदू धर्म की उन सब वस्तुओं के जन्मदाता हैं जिनको तुम महत्व और सुंदर देखते हो। उपनिषद किसने लिखी थी? राम कौन और कृष्ण कौन थे? बुद्ध कौन थे? जैनों के तीर्थंकर
जैनों के तीर्थंकर कौन थे? जब कभी क्षत्रियों ने उपदेश दिया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया। और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरतों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की। गीता या व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो, गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर नारियों, सभी जातियों और सभी वर्गों को अधिकार दिया गया है, परंतु व्यास गरीब शूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े के मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाएगी? अगर वह ऐसा ही है तो उसका मोल एक फूटी कौड़ी भी नहीं। द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 4। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। इस लेख का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। 19 मार्च 1894 को शिकागो से लिखा पत्र। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव जी। बबीता गुरु बहन से अनुरोध है आज का मन संचरण का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव। आप सभी के माइक और कैमरा इनेबल कर दिए गए। अध्यात्म विज्ञान पीके सिंह गुरु भाई की आज पीके सिंह गुरु भाई की टर्न थी क्या आज? हाँ, उन्होंने बोला है आज उनके पास सेट टाइम नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव गंगाई नाथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये सेशन हमारा दो समय होता है, एक सुबह एक शाम। सुबह 5 बजे से लेके 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और फिर गुरुदेव की सभी गुरु भाई बहन मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनते हैं और सब फिर गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। सभी इसका आनंद सभी गुरु भाई बहन लेते हैं। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति या जिज्ञासा इस मंच पर अपनी अनुभूति साझा करते हैं। और संडे के दिन ही सुबह 9 बजे बच्चों का सेशन किया जाता है और शाम को शायद इंग्लिश का सेशन भी 9 बजे ही इसी मंच के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये 4 सेशन इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा संचालित होते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। काफी गुरु भाई बहन जुड़ रहे हैं। कोई भी मंच पे आए तो स्वागत है। सीता नाम से आईडी भी है, शायद नहीं है, पुरानी गुरु बहन है। जय गुरुदेव गुरु बहन। विनोद भाई साहब किसी की अनुभूति पढ़ दीजिए, कोई नहीं आ रहा था। विनोद भाई सब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता, शायद किसी ने प्रिंस नाम से हैंडल्स किया। हाँ, गुरु भाई
प्रिंस जय गुरुदेव गुरु भाई या बहन माइक अनम्यूट कीजिए गुरु गुरु भाई प्रिंस आईडी से स्पॉट लाइट हुआ है थोड़ा भाई सा आप ही पढ़ के सुना दी शायद नहीं बोलना चाह रहे होंगे जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को रेवंत सिंह गुरु भाई की अनुभूति है गुरु कृपा से हेपेटाइटिस बी से मुक्त हुआ पता है रेवंत सिंह गांव खातोलाई पोस्ट आंट्रोली खुर्द जिला नागौर राजस्थान गुरु भाई लिखते हैं सर्वप्रथम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव को प्रणाम मैं रेवंत सिंह गांव खातोलाई नागौर का रहने वाला हूं मैं जब आर्मी में जामनगर में पोस्टेड था मुझे पीला पेशाब आने लगा तो जांच कराई तो 4 सितंबर 2009 को मेरा सीरम बिलिरुबिन 1.8 आया फिर 6.3 और अगली जांच में 12.4 12.4 और 17 सितंबर को 29.33 हो गया मुझे मिलिट्री अस्पताल जामनगर में भर्ती कर दिया जब दूसरी जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया तब डॉक्टरों ने ज्यादा कुछ नहीं बताया वह कहा कि आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया है और कुछ जांच व इलाज के लिए मुंबई अश्विनी अस्पताल भेज रहे हैं फिर वहां हेपेटाइटिस बी की 2 जांच हुई तो फिर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रिपोर्ट आई वह मुझे गैस्ट्रोफिजिशियन के पास भेज दिया जब मैंने दूसरे मरीजों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं आता है हमारे 2 से इंजेक्शन चल रहे हैं और 48 इंजेक्शन ले चुके हैं और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं हुआ है यह सब सुनकर मैं निराश हो गया वह चिंता में रहने लगा कि कौन सी बीमारी हो गई है मेरे तो घर परिवार में भी किसी को यह बीमारी नहीं है मेरा खाना पीना भी छूट गया और रात दिन चिंता सताने लगी एक दिन मैं नीचे शाम 5 गार्डन में चला गया तो कई मरीज बैठे ध्यान कर रहे थे मुझे पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं किसी मरीज से पूछा तो उसने बताया कि ये गुरुजी का ध्यान कर रहे थे और गुरुजी का ध्यान करने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है एक गुरु भाई ओम वीर जी ध्यान करवा रहे थे मुझे उन्होंने ध्यान का तरीका बताया वह मोबाइल से मंत्र सुनाया मैंने उसी दिन से ध्यान करना शुरू कर दिया मैंने 10 अक्टूबर से ध्यान करना शुरू किया सुबह शाम ध्यान करता वह चलते फिरते सोते उठते बैठते वह शौच जाते समय हर समय मंत्र जाप करता वह गुरुदेव को याद करता था कि गुरुदेव यह कैसी बीमारी हो गई इसे ठीक कीजिए मैंने अस्पताल में कोई दवाई नहीं ली वह गुरुदेव को याद करता रहा कि हे गुरुदेव मेरे तो आप ही आधार हो मेरे तो आधार आप ही हो मेरे पास कोई कोई गोली दवाई नहीं है और आप ही मुझे तारो मेरे कष्ट काटो गुरुदेव मुझे योगी क्रियाएं नहीं हुई पर गुरुदेव कल्कि अवतार के रूप में घोड़े पर विराजमान दिखाई देते थे गुरुदेव से 10 ध्यान का समय मांगता हूं तो 10 और 15 का समय मांगता हूं तो 15 बाद ध्यान खुल जाता है घड़ी के सेकंड की सुई भी आगे पीछे नहीं होती मुझे यह बड़ा कमाल लगा ध्यान शुरू किया था 10 अक्टूबर को और उसके बाद सीरम बिलिरुबिन 1.3 हो गया 17 नवंबर को मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई मैंने वापस हेपेटाइटिस बी टेस्ट करवाया मैंने दोबारा
हेपेटाइटिस बी टेस्ट करवाया तो 15 दिसंबर को रिपोर्ट नेगेटिव आई। गुरुदेव ने मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दी। मेरी यही राय है कि गुरुदेव का ध्यान व नाम जाप से कैसा भी संकट हो चुटकी में ठीक हो जाता है, वह असीम आनंद मिलने लगता है, असीम आनंद मिलने लगता है। तो ये थे गुरु भाई रेवंत सिंह, इनकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। जय गुरुदेव। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल बहुत तरह तरह की बीमारी हो रही है। तो एक और छोटे बच्चे का अनुभव है, अविरल गुप्ता गुरु भाई का अनुभव है, अस्थमा से राहत, पता है पुणे महाराष्ट्र। मैं अविरल गुप्ता श्री दीपेंद्र गुप्ता का पुत्र हूँ। मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं अभी पुणे में रहता हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से मुझे अस्थमा व एलर्जी की समस्या थी। अस्थमा के कारण मुझे खेलने जाने से पहले हर रोज पंप लेकर जाना पड़ता था। कभी कभी रात को भी पंप लेना पड़ता था। अस्थमा के पेशेंट जानते हैं पंप किसको कहते हैं। मेरे पापा पिछले काफी समय से गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का दिया हुआ संजीवनी मंत्र का जाप वह नियमित ध्यान कर रहे हैं। मैंने भी पिछले 2-3 महीनों से गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में मुझे सीने की, छाती की काफी तेज शारीरिक क्रियाएं, योगी क्रियाएं और अन्य योगी क्रियाएं होने लगी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में मैं स्वस्थ महसूस करने लगा और मेरी अस्थमा की समस्या पूर्णतः ठीक हो गई। अब मुझे पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं रोज बिना पंप लिए खेलने जाता हूं और आसानी से काफी देर तक खेल पाता हूं। मेरी अस्थमा की समस्या केवल गुरुदेव के ध्यान वह मंत्र जाप से ठीक हो गई है। यह हम सबके लिए एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मेडिकल साइंस में आज भी यह एक असाध्य रोग है। पूज गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। जिनको भी अस्थमा की बीमारी है सब ठीक हो सकते हैं। दिव्य प्रकाश के दर्शन होना। जय गुरुदेव। एक गुरु भाई का अनुभव है, गणेश राम जाखड़, दिव्य प्रकाश के दर्शन होना। गुरु भाई का पता है गणेश राम जाखड़ अध्यापक है, ये गांव बागोरिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व शिव अवतारी बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी को कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। मैंने 13 मई 1999 को गांधी मैदान जोधपुर में सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद नियमित रूप से नाम जप व ध्यान करना शुरू किया। 2-4 दिन बाद ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे में जोरदार झटका लगा। वह प्रत्यक्ष महसूस हुआ कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर चलने लगी। ध्यान में असीम आनंद प्राप्त होने लगा। वह विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं व आसन जैसे हलासन, शीर्षासन व प्राणायाम स्वतः होने लगे। मैंने सुबह व शाम ध्यान करना शुरू कर दिया। नाम जप स्वतः होने लग गया। वह हर समय आनंद की स्थिति बनी रहती है।
ध्यान में कई बार दिव्य गंध प्रत्यक्ष महसूस हुई, वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। एक दिन ध्यान के दौरान सुबह के समय शरीर के अंदर अंडाकार एक दिन ध्यान के दौरान सुबह के समय शरीर के अंदर अंडाकार आकार का तेज प्रकाश पुंज दिखाई दिया। कभी कभी तेज चमकदार चिंगारी शरीर के आसपास दिन के समय भी घूमती नजर आती है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं प्रकाश के रूप में सर्वव्यापक हूं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद जीवन में भय खत्म हो गया है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद जीवन में भय समाप्त हो गया है तथा प्रतिपल गुरुदेव का सहारा मिलता है। जिन कार्यों को गुरुदेव को समर्पित करके शुरू करते हैं वे सहज में ही पूर्ण हो जाते हैं। गुरुदेव मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, वे किसी प्रकार की बाधाओं को नहीं आने देते हैं। गुरुदेव मेरे लिए भगवान है, ईश्वर सगुण साकार रूप में, गुरुदेव के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए तथा संपूर्ण मानव जाति को देव रूप में परिवर्तित करके इस धरती पर आने वाले हजारों वर्षों के लिए सुख व शांति प्रदान करेंगे। मेरा मानव जाति से यही कहना है कि समय रहते समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को सुखी बनाओ। वास्तविक सच्चाई व प्रत्यक्ष परिणाम गुरुदेव का ध्यान करने से ही मिलेगा। जैसा कि हमने परसों देखा, अखबार में जो गुरुदेव की फोटो छपी हुई थी उसकी कटिंग से ही गुरुदेव का ध्यान करने से चमत्कार होने लगे, योगी क्रियाएं होने लगी, बीमारियां दूर हो गई थी। कितना कुछ हुआ था। वास्तविक सच्चाई व प्रत्यक्ष परिणाम गुरुदेव का ध्यान करने से ही मिलेगा। जय गुरुदेव। तो ये थी अद्भुत अनुभूति गणेश राम जाखड़ गुरु भाई की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सिंह। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। 5 मिनट का समय और शेष है। प्रिंस नई आईडी से शायद है। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरुदेव के बारे में कुछ बोलना चाहिए, वो पल कब है जो आप गुरुदेव से जुड़े हो, थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए। प्रिंस आईडी से है क्या? जय गुरुदेव। गुरु भाई कहाँ से जुड़ते हो, गुरुदेव से कब से जुड़ना हुआ, थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए, कैसी अनुभूति चल रही है। शायद बोल नहीं रहे। हिंगू भाई साहब को आमंत्रण कर रही हूँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई मंच का श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए, समय भी हो गया। जय गुरुदेव। गुरु भाई हिंगू भाई साहब है क्या? हिंगू भाई साहब नहीं है तो विकी भाई साहब जय गुरुदेव, आप ही गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए सेशन को। दादी पापा बहुत अच्छे।
गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बोलिए प्रेम से कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। दादा गुरुदेव सभी गुरु बहनों को जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय कल की भगवान। जय कल की भगवान। जय कल की भगवान। दादा गुरु सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय श्री कल की। जय श्री कल की। Okay, that's right.